मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चेंज द वॉइस इसके पार्ट वन में हमने कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में मालूमात हासिल की थी जो हमारे इस टॉपिक के लर्निंग में डेफिनेटली बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। सो कंसिडरिंग दैट हम आज कंटिन्यू करेंगे हमारे चेंज द वॉइस का पार्ट टू। जब दैट इज़ व्हेन ओनली मेन वर्ब इज़ गिवन, जब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सिर्फ मेन वर्ब दिया जाता है तब चेंज द वॉइस कैसे किया जाता है। हम इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन तो देखेंगे ही, लेकिन उसके साथ कई सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज द मोर एग्जांपल्स यू सॉल्व, द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू विल लर्न द कंसेप्ट। ओके, और यहाँ पर हम इस वीडियो में आज के अभी जो टॉपिक कवर करेंगे दैट विल बी मेनली सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में आपको पता है कि यहाँ पर सिर्फ मेन वर्ब दिया जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं रहता। तो हमारे इस वीडियो में सिर्फ हम इन दो वीडियोस की ही, दैट इज़ इन दो पार्ट्स की सेंटेंसेस के बारे में ही, टेंस के बारे में ही मालूमात हासिल करेंगे। सो लेट अस कंटिन्यू। नाउ यू कैन सी इन पैसिव वॉइस द वर्ब इज़ रिटन इन बी प्लस V3 फॉर्म। ये रूल आपने हर जगह पे पढ़ा होगा कि पैसिव वॉइस में मेन चेंजेस जो होते हैं वो वर्ब में होते हैं, और वो इस कदर होते हैं कि बी का एक फॉर्म होता है और V3 का। जैसे देखो, व्हेन द वर्ब इज़ मेन वर्ब, जब वर्ब यानी जो एक्शन वर्ड रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब होगा, ऑक्सिलरी नहीं होगा। उस वक्त एग्जाम्पल के तौर पर बताया, देखो दे प्ले क्रिकेट, प्ले वर्ब हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस बताता है। शी प्लेज क्रिकेट, यहाँ पे एस लगा लेकिन फिर भी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। एंड ही एट एन एप्पल, यहाँ पर एट बताता है कि एक सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो यहाँ पर हमको पता चलता है कि इन तीनों सेंटेंसेस में हमको सिर्फ मेन वर्ब दिया गया है, ऑक्सिलरी इज़ नॉट गिवन, ऑक्सिलरी का मतलब या ऑक्सिलरी का यूज़ किया ही नहीं गया है। तो हम ऐसे वाले सेंटेंसेस की इस वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। एंड रिमेंबर, इट ओनली हैपन्स इन सिंपल प्रेजेंट टेंस जब हम डू या डज इस V1 का इस्तेमाल करते हैं, या फिर सिंपल पास्ट टेंस में डिड यानी V2 का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखो, देन वी मस्ट टेक द रिस्पेक्टिव फॉर्म्स ऑफ बी सूटेबल टू द सब्जेक्ट। लाइक जैसे कि प्रेजेंट टेंस में अभी हमने कते का मेन एक्शन जो है मेन वर्ब तो दिया है, उसका V3 फॉर्म लेना है, फिर बी का इस्तेमाल कैसे करते हैं बी का फॉर्म। तो बी के भी कुछ रूल्स है, जैसे प्रेजेंट टेंस में बी के इन तीन फॉर्म का ही हम इस्तेमाल करते, या तो इज, या तो एम, या तो आर। पास्ट टेंस में उसका वॉज या वर होता है। ओके, तो यहाँ पर देखो, और जो V3 रहेगा लास्ट, V3 फॉर्म, ये दिए गए मेन वर्ब का हमेशा पास्ट पार्टिसिपल ही लिया जाता है। इसलिए देखो, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, जैसे यहाँ पे गिव है, गिव्स है। ओके, तो यहाँ पे गिव और गिव्स, ये जो एक्टिव सेंटेंस का वर्ब है, इसको पैसिव में हम कैसे लिख सकते हैं, इज गिवन, एम गिवन और आर गिवन। गिव ये पास्ट टेंस रहता है तो उसका पैसिव वॉइस में फॉर्म होगा वॉज गिवन या फिर वर गिवन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको सेंटेंस भी बताती हूँ, देखो द टीचर गिव्स बुक, पैसिव वॉइस क्या होगा इसका, बुक्स आर गिवन बाय द टीचर। क्यों? बिकॉज बुक्स प्लूरल है, हम बोलेंगे टीचर तो एक है, राइट? तो टीचर एक है, इसके लिए उसका गिव्स हुआ, लेकिन प्लूरल में आपको पता है सब्जेक्ट की जगह पे ये ऑब्जेक्ट इधर आता है, तो यहाँ पर आपको पता है बुक्स, ये जो बुक्स है वो प्लूरल है, एक नहीं मैनी बुक्स, इसलिए बुक्स के साथ इज या एम नहीं आएगा, आर आएगा। आर क्यों? बिकॉज ये गिव्स प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बताता है। सो आर ये बी का फॉर्म आया, एंड V3 गिव का क्या होता है, गिवन बाय द टीचर। इसलिए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा पैसिव वॉइस का, बुक्स आर गिवन बाय द टीचर। ओके, नाउ यू कैन सी कुछ एग्जाम्पल सिंपल में देती हूँ आपको। देखो, आई गिव अ बुक, मैं किताब देती हूँ, पैसिव वॉइस में इसका क्या होता है, अ बुक। अभी ध्यान दो, जब भी मैंने आपको बताई बुक्स, लेकिन यहाँ पे अ बुक यानी एक बुक है, इसलिए क्या हो गया, देखिए पैसिव वॉइस में अ बुक, गिव प्रेजेंट टेंस है, इसके लिए यहाँ पे इज आया, और बुक एक है, इज़
एंड वी थ्री फॉर्म गिव का होता है गिवन बाय मी। क्लियर? यहाँ पर वापस मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, देखो बुक सिंगुलर है इसलिए सूटेबल फॉर्म बी का क्या है, इस। देन द टीचर गेव बुक्स, टीचर ने किताबें दे दिए, यहाँ पर आंसर होगा बुक्स। जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर आता है, हमने ये रूल्स देखे, मैंने आपको पहले वीडियो में बताए हैं कैसे सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट जाता है, यू कैन रेफर दैट वीडियो। तो यहाँ पर हमने बुक्स, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जगह पे लाया, बुक्स पास्ट टेंस गेव है इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, वर, क्योंकि बुक्स कई है, मैनी बुक्स, सो बुक्स वर गिवन बाय द टीचर। बुक्स देखो प्लूरल फॉर्म हुआ इसलिए यहाँ पे वॉज या वर की जगह पे वर आएगा और वी थ्री इसका फॉर्म कन्फर्म है बाय द टीचर। क्लियर? देन फर्दर इम्पॉर्टेंट याद रखना है, ऑलवेज रिमेंबर इन चेंज द वॉइस चेंजिंग टेक्स प्लेस ओनली इन सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। यानी जब हम चेंज द वॉइस करते हैं तब उसमें तब्दीली, जो चेंजेस है, बदलाव है, वो सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट में होते हैं। कॉम्प्लीमेंट नेवर चेंजेस, कॉम्प्लीमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं होते। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, वी प्लेड क्रिकेट इन द इवनिंग, हमने शाम में क्रिकेट खेला। क्रिकेट वॉज प्लेड बाय अस इन द इवनिंग, राइट? इन द इवनिंग में कोई भी चेंजेस नहीं होते। गेटिंग इट? नेक्स्ट उसी तरीके से देखो, अभी कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। द पीपल फोर्स्ड अस, पास्ट टेंस है इसके लिए यहाँ पे या तो वॉज फोर्स्ड आएगा या तो वर फोर्स्ड आएगा, लेकिन हमको यहाँ पर क्या गिरा है, हिम का ही। मैंने इसके लिए आपको फर्स्ट वीडियो में पार्ट वन में ये भी बताया है कि हिम अगर है तो हिम का क्या होगा, ही, एंड ही होता है तो हिम। ये मैंने आपको उस वीडियो में क्लियर कर दिया है, यू कैन रेफर दैट वीडियो एज आई सेड। तो यहाँ पर आएगा ही वॉज फोर्स्ड बाय द पीपल बाय जनवरी 25th 2021 ही कंप्लीटेड हिज टारगेट। तो यहाँ पर मेन सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये जो दिया गया है ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जिसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो देखो बाय जनवरी 25th 2021 ये यहाँ तक सेम आया, और अब हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे। दिस टारगेट कंप्लीटेड पास्ट टेंस है और दिस टारगेट सिंगुलर है, इसके लिए यहाँ पे वॉज कंप्लीटेड या वर कंप्लीटेड आएगा, वॉज कंप्लीटेड आएगा, करेक्ट, बाय हिम, ही का हिम होता है। देन द 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड आइडेंटिफाइज द फ्लैग्स ऑफ वेरियस कंट्रीज, जो 3 साल का छोटा बच्चा अलग अलग मुल्कों के झंडे पहचानता है, राइट? सिंपल सेंटेंस बड़ा दिख रहा है बट उसको सही से क्या करना है, हमको चेंज। द 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड ये क्या है, सब्जेक्ट है, आइडेंटिफाइज वर्ब है, एंड व्हाट ऑब्जेक्ट क्या है, द फ्लैग्स ऑफ वेरियस कंट्रीज, यानी ये पूरा की पूरा साथ में आएगा। द फ्लैग्स ऑफ वेरियस कंट्रीज आर आइडेंटिफाइड बाय द 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड। क्लियर? उसी तरीके से आगे देखो, द प्रोग्राम डिलाइटेड एवरी वन प्रेजेंट ओवर देयर, यहाँ पर हमको ध्यान देना है सिर्फ हमको मतलब किससे है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट से। ये क्या हो गया, प्रेजेंट ओवर देयर, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। तो ध्यान दो एवरीवन, यानी एवरीवन प्रेजेंट ओवर द, एक साथ आएगा एवरीवन, कौन एवरीवन प्रेजेंट ओवर देयर, इसके साथ जाएगा एवरीवन प्रेजेंट ओवर देयर, वॉज डिलाइटेड बाय द प्रोग्राम। द रैवेजिंग फ्लड डैमेज्ड ऑल, ऑल वर डैमेज्ड बाय द रैवेजिंग फ्लड। दे एजुकेटेड 100 poor students, 100 poor students वर एजुकेटेड बाय देम। नाउ ये याद रखो, कभी कभी आपको सवालों में दिए जाते हैं कंपाउंड वर्ड्स, यानी दो वर्ब्स, यानी वर्ब्स क्या होते हैं, साथ में आते हैं, उसके साथ कभी नाउन प्रपोजिशन भी लगता है इस तरीके से, तो उस वक्त क्या करना है, रिमेंबर कंपाउंड वर्ड्स पैसिव वॉइस में गो टुगेदर, दैट मीन्स हमेशा साथ में जाते हैं। कैसे देखो, दे आस्क्ड हिम अबाउट हिज फेवरेट स्टोरीज, उन्होंने उसको उसकी फेवरेट पसंदीदा कहानियों के बारे में पूछा। तो आपको पता है आस्क अबाउट ये एक साथ जाता है, आस्किंग अबाउट यानी किसी के बारे में पूछना, तो यहाँ पर आंसर क्या हो सकता होगा, ही वॉज आस्क्ड
अबाउट हिज फेवरेट स्टोरीज बाय देम, यानी आस्ट के बाद, आस्ट अबाउट है ना, आस्ट अबाउट हिज फेवरेट स्टोरीज, तो ये साथ में आएगा. ही वॉज आस्ट अबाउट हिज फेवरेट स्टोरीज एंड देन लास्ट में आएगा आपका सब्जेक्ट बाय देम. ओके, क्योंकि ये कंपाउंड वर्ब्स है. वैसे और एक एग्जाम्पल देखो, दो बोथ फूड एसिड्स एंड अल्कलीज एक्ट अपॉन एल्यूमिनियम, तब ये एक्ट अपॉन, ये क्या हो गया, कंपाउंड वर्ब हुआ. तो इसका जवाब भी कुछ ऐसा ही होगा, एल्यूमिनियम इज एक्टेड अपॉन बाय बोथ फूड एसिड्स एंड अल्कलीज. क्लियर. वन मोर प्रैक्टिस. एट अ मार्केट प्लेस दे आस्क्ड हिम अबाउट इम्पॉर्टेंस ऑफ डिस्काउंट्स. रिमेंबर, ये कॉम्प्लीमेंट ले, जिसका कॉम्प्लीमेंट है ये यहीं पर रहेगा, लेकिन आगे क्या है, आस्क्ड अबाउट, तो ये साथ जाना चाहिए. सो आंसर क्या होगा, एट अ मार्केट प्लेस ही वॉज आस्क्ड अबाउट इम्पॉर्टेंस ऑफ डिस्काउंट्स बाय देम. ओके, नेक्स्ट, ही टुक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द क्रिमिनल्स. यहाँ पर क्या है, टुक एक्शन, ये एक साथ जाएगा. एग्जाम्पल देखो, डिसिप्लिनरी एक्शन वॉज टेकन अगेंस्ट द क्रिमिनल्स बाय देम. ओके, टुक अगेंस्ट, disciplinary action was taken against the criminals by him. They arrested him on the charge of committing a crime. He was arrested on the charge of committing a crime by them. The NGO acquired wasteland. ये एक simple sentence है. Wasteland was acquired by the NGO. Right? Now some more examples I'll give you. ध्यान दो यहाँ पर. A peon brings a cup of hot coffee for the teacher. A cup of hot coffee is brought for the teacher by a peon. The tourism industry broadly covers 5 areas. Simple present tense. So 5 areas are broadly covered by the tourism industry. अभी यहाँ पर ध्यान दो, मैंने कहा है कुछ बातें जैसे broadly covered. कभी कभी अगर आपको adverb verb के पहले आता है तो हम उसको वहीं पर रख सकते हैं, right? जैसे मैंने अभी आपको कहा कि ये क्या हो गया, उसका कॉम्प्लीमेंट, तो हम इसके पहले वो ऐसे के वैसे रखेंगे. फाइव एरियाज आर ब्रॉडली कवर्ड बाय द टूरिज्म इंडस्ट्री. द एयरलाइंस ट्रेन द कैबिन क्रू. द कैबिन क्रू आर ट्रेन्ड बाय द एयरलाइंस. अ मैगजीन इन ब्रिटेन ऑफर्ड मी अ वेल पेड जॉब. यहाँ पर याद रखो, अ मैगजीन इन ब्रिटेन सब्जेक्ट है, ऑफर्ड क्या है, एक वर्ब है, मी इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड अ वेल पेड जॉब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ये हमने लास्ट के वीडियो में डिस्कस किया है. सो आंसर क्या होगा, आई वॉज ऑफर्ड अ वेल पेड जॉब बाय अ मैगजीन इन ब्रिटेन. द स्क्रॉल पेंटर्स यूज अ सिंगल पीस ऑफ क्लॉथ फॉर द ड्रॉइंग, फॉर ड्रॉइंग द सीन. एग्जाम आंसर, a single piece of cloth is used for drawing the scene by the scroll painters. They narrated the whole event. The whole event was narrated by them. Another musician plays the flutes. The flutes are played by another musician. Amit threw the pen towards Ajit. The pen was thrown towards Ajit by Amit. It offers plans for managing the environment. Plans for managing the environment are offered by it. Cars and buses pollute the air. The air is polluted by cars and buses. They parked the jeep in our garage. The jeep was parked in our garage by them. We treated the puppy with love. The puppy was treated with love by us. The teacher told us to fold the craft paper neatly. We were told to fold the craft paper neatly by the teacher. The act unlocked my imagination. My imagination was unlocked by the act. The manager gave my father a key. A key was given to my father by the manager. Pricing reforms discourage private car use. Private
car use is discouraged by pricing reforms. The Satara-based Central Institute of Road Transport published the study. The study was published by the Satara-based Central Institute of Road Transport. Newspaper, radio, and television discovered the culprit. The culprit was discovered by newspaper, radio, and television. The English teacher gave the class an assignment. The class was given an assignment by the English teacher. यहाँ पे ध्यान दो, जब आपको direct and indirect object दिया जाता है, तब यहाँ पे क्या है देखो, the English teacher gave the class an assignment. आपका ये जवाब भी सही है. उसको दूसरे तरीके के से भी लिखा जा सकता है, जो मैं अभी आपको दूसरे दो तीन examples में last में बताती हूँ. A woman spoke these lines. These lines were spoken by a woman. They named him the vice captain of his high school football team. He was named the vice captain of his high school football team by them. We marched the roosters in the kitchen. The roosters were marched into the kitchen by us. Solar and wind energy power the village lights. The village lights are powered by solar and wind energy. Foreigners dominated India in the last millennium. India was dominated by the foreigners in last millennium. It fills the generation gap. The generation gap is filled by it. We pollute our own environment. Our own environment is polluted by us. Too much work makes Tom a dull boy. Tom is made a dull boy by too much work. The jungle hid the road. The road was hidden by the jungle. He ordered me to practice an hour every day. I was ordered to practice an hour every day. People refer to him as boss. He is referred as boss by people. They overcame every obstacle with courage. Every obstacle was overcome with courage by them. Fats along with carbohydrates provide fuel to your muscle during exercise. Fuel is provided for your muscles during exercise by fats along with carbohydrates. Sachin asked us to bat first. We are asked to bat first by Sachin. It still surprises me. I am still surprised by it. Globalization offers extraordinary opportunities to individuals. Extraordinary opportunities are offered to individuals by globalization. Nishtha made a bold plan. A bold plan was made by Nishtha. A medical examination follows the interviews. The interviews are followed by medical examination. The last try gave the same result. The same result was given by the last try. Stars brighten the sky. The sky is brightened by stars. The storm propelled the sand in a horizontal direction. The sand was propelled in a horizontal direction by the storm. They bombed more than 10 places. More than 10 places were bombed by them. The change in the weather affected the children. The children were affected by the change in weather. The initiative provides farmers with information. Farmers are provided with information by the initiative. They installed a cable connection. A cable connection was installed by them. Devi Shetty successfully performed open heart surgery. Open heart surgery was successfully performed by Devi Shetty. They gave me an opportunity. An opportunity was given to me by them. Then, यहाँ पर ध्यान दो. अभी यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, जैसे मैंने इसके पहले बताया, जब आपको direct और indirect object दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता रही, देखो, they subject है, gave verb, me object है, लेकिन ये क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट.
एन अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्या दिया गया, मैंने इसके लिए आपको वीडियो में बताया, देखो दे गेव मी व्हाट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दे गेव टू होम मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारा आंसर पैसिव वॉइस का दो तरीके से आ सकता है, एन अपॉर्चुनिटी वॉज गिवन टू मी बाई देम और आई वॉज गिवन एन अपॉर्चुनिटी बाई देम। सो इट डिपेंड्स आप किस तरीके से वो सॉल्व करते हैं। इसका वन मोर एग्जाम्पल देते, देखो द शॉर्ट सर्विसेज कमीशन ऑफर्स देम अ 10 years कमीशन। फर्स्ट आंसर, अ 10 years कमीशन इज ऑफर्ड टू देम बाई द शॉर्ट सर्विस कमीशन, और दे आर ऑफर्ड अ 10 years कमीशन बाई शॉर्ट सर्विसेज कमीशन। ओके, इस तरीके से जब हमारे दिए गए एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों दिए जाएंगे, तब हमारा आंसर दो तरीके से हो सकता है और दोनों में से आप कोई भी एक लिखेंगे तो वो सही ही माना जाएगा। क्लियर? ओके, दैट्स इट देन, वी स्टॉप हियर। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा, और मेरी एग्जाम्पल देने की वजह यही है कि आप जितनी ज़्यादा एग्जाम्पल्स रीड करेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, उतने ही आपको राइटिंग के टाइम पे वो ज़्यादा ध्यान में आते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। नेक्स्ट पार्ट में हम ऑक्सिलरी वर्ब के साथ चेंज द वॉइस कैसे करते हैं इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और साथ में ही ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।